हरिद्वार में मां गंगा महोत्सव 2018 हरिद्वार नागरिक मंच सिडकुल मेन फ्यूचरेक्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में 4 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया। हरिद्वार में मां गंगा महोत्सव 2018 का नागरिक मंच एवं सिडकुल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में 4 दिवसीय महोत्सव का आयोजन डॉक्टर बी डी जोशी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें सभी ने अपने विचार रखे। मां गंगा को बचाने के लिए नए प्रयास और सुझाव को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर बी डी जोशी ने महोत्सव पर अपने विचार रखते हुए कहा कि भारत देश की पहचान है गंगा, हम इसे गंदा नहीं करना चाहिए। स्कूली बच्चे ही गंगा को गंदा न करने का संकल्प लेकर गंगा को बचा सकते हैं। आस्था से जुड़े लोग अपने गंदे कपड़े गंगा में छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे यात्रियों को रोकना चाहिए और उन्हें मां गंगा को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि गंगा में कोई गंदे कपड़े ना डाले और गंगा की अविरल धारा बनी रहे। उन्होंने कहा कि प्रदूषण पर बोलते हुए कि गंगा गोमुख से प्रदूषित हो चुकी है। सबसे ज्यादा गंगा में प्रदूषण उत्तरकाशी में होता है, वहाँ गंगा में जल कम है। शहर का सीवर सारा पानी गंगा में ही गिरता है और बक्सर वाराणसी में गंगा की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। वहीं गंगा का पानी पीने योग्य नहीं है, वहाँ पर अधजल सौ को गंगा में लोग प्रवाह कर देते हैं और रासायनिक पदार्थ सबसे ज्यादा गंगा को दूषित करते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, आज समय का अभाव था, वरना मैं कहना चाहता था कि समाज 3 व्यवस्थाओं से चलता है। एक है ट्रेडिशन, जिन्हें हम कहते हैं परंपरा, वो परिवार से मिलती है। दूसरा होता है धर्म, रिलीजन, जो हमें समाज से मिलता है। और तीसरा होता है कानून, जो देश से मिलता है। इन तीनों के समन्वय से कोई समाज, कोई राष्ट्र, कोई राज्य, कोई देश उन्नति करता है। और जब हम इनको विमुख हो जाते हैं इनसे, तो वहीं पे विकार पैदा होता है, वहीं पे प्रदूषण पैदा होता है। जो हमारे शास्त्रों में कहा गया कि हम जल के निकट 10 काम बताए गए हैं कि हमें उसके निकट शौच, दोनों प्रकार के शौच, गंदे वस्त्रों का धोना, साबुन और इस प्रकार के रासायनिकता से नहाना, कपड़े धोना, शव को बिना जलाए बहाना, ठीक है, और जो ग्रामीण जो सीवेज है, गंदगी है, उसको डालना, इस प्रकार के 10 कार्य जो हैं वो किसी भी नदी के किनारे और मुख्यतः गंगा के किनारे तो कभी नहीं करने चाहिए, उससे पाप लगता है। पाप शब्द इसलिए कहा गया कि किसी प्रकार का भी प्रदूषण जब हम करते हैं तो उससे हम डरें, मनुष्य के मन में भाव पैदा हो कि उससे उसको पाप होगा, और शास्त्रों ने उसको फिर नरक से जोड़ दिया कि ताकि आपका अगला जीवन मृत्यु के बाद का हो, वो शांतिपूर्वक नहीं होगा। तो अगर हम अपने जो वैदिक विचार हैं, वैदिक संस्कृति की जो हमारी मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, अगर हम उनको मान करके चलें, तो फिर हमें आगे कानून से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें आगे अगर हमारी धार्मिक मान्यताओं को हम मान करके चलेंगे, तो हमें आगे कानून की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हो क्या रहा है, हम अपनी परंपराओं को और धर्म को भूल चुके हैं और जानबूझ के अनजाने में प्रदूषण वाले अपराध कर रहे हैं, उससे गंदगी फैला रहे हैं, पर्यावरण को विषाक्त कर रहे हैं, तो नेचुरली हम एक किस्म से आज के कानून के दायरे में भी आ जाते हैं, और जिसकी सजा हम व्यक्तिगत रूप से भी भुगत रहे हैं, सामाजिक रूप से भी भुगत रहे हैं, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अभी चिंता का विषय बन चुका है कि किसी भी प्रकार का प्रदूषण न केवल मानव जीवन, पूरे जो विश्व की पारिस्थितिकी है उसके लिए वह हानिकारक हो चुका है। साधु संत थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे और टेक्नोक्रेट थे, इंजीनियर जैसे जैन साहब आए, इन विभिन्न महापुरुषों की राय ली गई थी कि अब हम पानी का जहाज चलाने जा रहे हैं इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में, इसका गंगा की इकोलॉजी पर क्या प्रभाव पड़ा। इत्तफाकन किसी ने मेरा नाम सुझा दिया होगा कि फिशेस और जो डॉल्फिन है, जो ये जैविक प्राणी है हमारे, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में विश्लेषण करना, शोध का कार्य मुझे सौंपा गया था, जिसकी अंतिम रिपोर्ट मैं अभी दिसंबर में जमा करने जा रहा हूँ, पार्ट में जो भाग मेरा। तो मैं आपको बता नहीं सकता, 2015 में भी मैं गया, 17 में मैं गया, और मैं भी 18 में इस साल में फिर गया, मैंने बताया जून में 3 हफ्ते वहां रह गया। इन 3 सालों में और पिछले जो
1986 से बाद गंगा की स्थिति हरिद्वार के बाद, खास तौर से कानपुर के बाद, बहुत विभत्स और दयनीय हो गई। वहां वाकई वो जल आचमन करने योग्य नहीं रहा। और सबसे खराब स्थिति मुझे मिली वाराणसी और बक्सर, जहां मनुष्यों की अनजली अधजली सड़ती गलती लाशें तैर रही, जानवरों की लाशें तैर रही, और इससे भी भयावह स्थिति थी बक्सर। मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, पूरा वीडियो है कई जगहों का। 1 किलोमीटर के दायरे में 21 ह्यूमन कॉर्पसेस, 21 मानवीय लाशें सड़न गलन की अनेक परिस्थितियों में थी। चील, गिद्ध, कौवे उन्हें नोच रहे थे। आप कल्पना कर सकते हैं क्या स्थिति। गंगा की अविरलता क्यों आवश्यक है? बक्सर में IWAI, इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो नमामि गंगे का एक पार्ट बन गया है, उसके जहाज खड़े हैं बक्सर से, आगे नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि गंगा का तट सिल्टेशन सर्वे से इतना फट चुका है, आ चुका है, कि बच्चे, मेरे पास वो भी क्लिपिंग्स हैं, बच्चे पैदल गंगा का 2 किलोमीटर का तट जो बन गया है यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। नाव चलाने लायक पानी भी कहीं कहीं पर है, कहीं पर नहीं है, तो पानी के जहाज जो है वो रुके पड़े हैं। 9 जुलाई 2014 को इत्तफाक, उसके बाद से मैं कभी नहीं मिला। इत्तफाक था कि उस दिन गडकरी से भी मेरी मुलाकात हुई, उनसे कहा, मैंने कहा, मान्यवर, आप ये शिपिंग योजना क्यों चला रहे हैं? बोले, क्यों प्रोफेसर साहब? मैंने कहा, ये इकोलॉजिकल डिसास्टर होगा, एनवायरमेंटल डिसास्टर होगा। बोले, आप ठीक कह रहे हैं। और मैं गडकरी को एक बहुत अच्छे मंत्रियों में से मानता हूँ। उनका प्रोसा हमारा इसके 2 उद्देश्य है। एक तो जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का प्रेशर है लैंड, रेल एंड एयर पे, वो कम होगा और सस्ता पड़ेगा। दूसरा हमारा बुरा एक बात, इट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट। जब उन्होंने ये कहा तो फिर मैं चुप हो गया। मैंने कहा, इस बात के लिए मैं आपका समर्थन कर सकता हूं, कर रहा हूं। इसलिए मैंने फिर मेरी नमामि गंगे में मीटिंग थी, जब मैं अपने रिजल्ट देने जा रहा था, उनके बाद मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिसका मैं भुक्त हुई। भारत सरकार अपने लेवल पर किसी भी प्रकार की पर्यावरणीय योजना के लिए, जिसमें नमामि गंगे भी शामिल है, बहुत ओपन है, बहुत उदार है, और वास्तविक रूप में वो चाहती है कि इसमें निरंतर सुधार हो। उनके जो IAS ऑफिसर से इंचार्जेस हैं, वो हमने उनको जाके समस्या बताई, वो कहते, प्रोफेसर साहब ठीक है, अब आप हमें इसका निराकरण भी बताइए, चिंता मत करिए कितना पैसा खर्च होगा, और ये बताइए टेक्नोलॉजी कहाँ से आ सकती है। ये मैं इसलिए प्रमुखता से कह रहा हूं कि प्राय हम ये कहते हैं कि सरकार क्या कर रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही। मित्रों, सरकार के लिए काम तो हम और आप कर रहे हैं ना। अगर हम अच्छी योजना प्रारूप नहीं बनाएंगे, हम अच्छे DPR नहीं बनाएंगे, अच्छे ड्राफ्ट तैयार नहीं करेंगे, और ड्राफ्ट तैयार कर दीजिए हमने करोड़ों के, फिर हम उसमें से लाखों रुपया भी खर्च नहीं करेंगे। सालों गुजर जाते हैं, जिले से लेकर के राज्य स्तर तक, केंद्र स्तर तक क्या हो रहा है कि जितना पैसा एलोकेट किया जा रहा है नमामि गंगे का भी याद है, उतना उसका चौथाई पैसा भी खर्च नहीं, लैप्स हो जाता है पैसा, तो किसे दोष देंगे? कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड लैप्सेस हैं। नंबर दो बात, गंगा के परिप्रेक्ष्य में, गंगा 6 स्टेट से होकर के गुजरती, उत्तराखंड से लेकर के वेस्ट बंगाल, हर राज्य में गंगा की ज्योग्राफी, क्लाइमेट जोन, आवश्यकताएं, पानी का दोहन और पानी को, जल को, गंगा जल को कलुषित करने वाले रासायनिक भौतिक पदार्थ, जैविक पदार्थ में बहुत भिन्नता है। मतलब आप समग्र गंगा के लिए एक योजना, एक सिद्धांत, एक नियम, एक कानून नहीं बना सकते।
जो गंगा के निर्मलीकरण की, स्वच्छीकरण की जो बात चलती है, और इसमें जो सबसे बड़ा कारण है कि जो जलीय जंतु थे जो सारी गंदगी को नष्ट किया करते थे, हमने उन जंतुओं को भी धीरे धीरे समाप्त कर दिया, और उनके समाप्त होने के कारण जो गंदगी है, जो इस प्रकार की चीज़ें हैं, उनको नष्ट करने वाला कोई तत्व वहाँ जल में नहीं रहता है, और इसलिए धीरे धीरे वो प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है।